दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस छोटे से म्यूजियम के बारे में जहां पर आप अपनी यादों को महफूज बना सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो चलिए जानते हैं इस छोटे से म्यूजियम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर थी कुछ दिनों पहले, तो आज हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं। ये जगह है सनी सस्पेंशन ब्रिज के पास एक दुकान है, यहाँ पे चाय और सूप भी बनता है, उसके साथ एक खास चीज़ है, अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा। आइए चलते और देखते वो चीज़ है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं यादगार के तौर पे लोगों ने यहाँ पे अपने मुल्क की करेंसी और उस पर अपने नाम लिख के यहाँ पे छोड़ दिए, और कुछ लोगों ने यहाँ पे पत्थरों के ऊपर अपने नाम लिख के यहाँ पे उनको महफूज कर दिए। किस्म का एक ये छोटा सा म्यूजियम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर किस्म के मालिक के नोट हैं जिनके ऊपर आप अपना नाम लिख के यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपका दोबारा यहाँ पे ट्रिप हो जाए तो आप आके फिर अपना नाम और वो चीज़ें तलाश कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने पत्थर रखना स्टार्ट किया, और ये कितना अर्सा हुआ? ये 2017 से। अच्छा, 2017 से, तकरीबन 2017 से, अभी 7 साल हो रहे हैं। तकरीबन 7 साल में बहुत सारे लोगों ने अपने यादगार के तौर पे यहाँ पे पत्थर पे नाम लिख के, करेंसी पे नाम लिख के यहाँ पे इनके पास एज अमानत महफूज किया हुआ है, तो ये आपकी अमानत को कहीं भी जाने नहीं देंगे। तो आप अगली बार आ जाए, आप नहीं आए तो आपके कोई यार दोस्त आ जाए, या आपके रिश्तेदार आ जाए, आपके फिर हो सकते हैं मुस्तकबिल में आपके बच्चे भी आ जाए, वो भी आपका नाम और वो पत्थर यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे हर किस्म की करेंसी देख रहे होंगे, तो इन पे लोगों ने अपने नाम, अपने चाहने वालों के नाम तो यहाँ पे महफूज कर दिया है। यहाँ पे न सिर्फ पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ पे हर किस्म के, यहाँ पे आपको करेंसी नज़र आ रही होगी तो उस पे अपना नाम और अपने दोस्तों का नाम महफूज किया हुआ है, तो ये आपकी यादों को यहाँ पे महफूज करते हैं। न सिर्फ आप नोट्स पर, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के पत्थर है, कोई भी पत्थर यहाँ से आप उठा के ले आ सकते हैं, फिर उस पे आप अपना नाम वगैरह और अपने चाहने वालों का नाम यहाँ पे महफूज कर सकते हैं एज यादगार। या आप किसी को चैलेंज भी देख सकते हैं कि आप उसका नाम लिख के यहाँ पे रखते हैं और वो आके आपका नाम यहाँ से ढूंढ के निकाल भी सकता है। तो इसी तरह ये छोटा सा म्यूजियम है जो आपके यादों को महफूज रखता है। तो ये बात है, तो यहाँ पर आप चाय भी सूप भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी आंटियाँ भी हमारे लिए सूप गर्म कर रही है, तो मज़ेदार सूप यहाँ से आप पी सकते हैं। ये देसी मुर्गी का बना हुआ है, अच्छा फार्मी है, ये फार्मी मुर्गी का है, लेकिन सूप अच्छा होगा, उम्मीद रखते हैं। अभी पी के फिर आपको बताते हैं।